ये स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो जो उम्मीद अमूमन हम ले रहे थे उससे थोड़े बेहतर नतीजे आए हैं ये कहना होगा। करीबन 1800 करोड़ के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम की उम्मीद थी, वो 1960 करोड़ पे आई है। अगर आप हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप अपस्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। आप मुनाफे का आंकड़ा देखें तो 95 से 100 करोड़ के बीच एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे, 128 करोड़ का मुनाफा आया है। हालांकि ये बावजूद इसके कि प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, 482 करोड़ के मुकाबले 602 करोड़ के प्रोविजंस किए गए हैं। हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ ई वैद्यनाथन साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैद्यनाथन साहब आपका, और नतीजे एनालिस्ट की उम्मीद से कहीं बेहतर आते हुए नजर आए। जरा हमें समझाइए कि ये बीट कैसे हासिल किया आपने। First of all, Pradeep ji, thank you very much for inviting me, and to happy to see all your viewers. Yes, actually, क्या हुआ कि जनवरी फरवरी मार्च तक जो इकोनॉमी है वो बहुत सॉलिड पिकअप कर गई। अभी जो कोविड 2.0 वेव है उसकी हम बात अलग से करेंगे, लेकिन आप सितंबर से लेकर मार्च देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आया, डिसबर्सल्स बढ़ गए, कलेक्शन परफॉर्मेंस बढ़ गए, कलेक्शन टच्ड 100% ऑफ प्री कोविड लेवल, 100% ऑफ प्री कोविड, तो वो भी अच्छा हो गया। सो बेसिकली ओवरऑल अंटिल मार्च सिचुएशन एक सॉलिड रिकवरी आया हमारे बिजनेस में। ओके, दैट इज द रीजन। ये जो रिकवरी आपने आते हुए देखी, आप कह रहे हैं जी, जी तो आपने कहा कि लेकिन अब ये सेकेंड वेव आती हुई नजर आ रही है और इसको अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, तो अब जून क्वार्टर पे कैसा असर देखते हैं आप इसका? देखिए, इंडिया में करीब 20 सिटीज जो है किसी ना किसी तरह के लॉकडाउन में हैं एज वी स्पीक, दुकानें बंद हैं, मार्केट्स, सो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो हैं अक्रॉस द कंट्री। इसका जो इम्पैक्ट है थोड़े डिसबर्सल्स पे पड़ेगा, इसका जो इम्पैक्ट कलेक्शंस पे भी पड़ेगा, बट जो है वो है एंड वील हैव टू डील विद द सिचुएशन, ये कुदरती है। बट ओवरऑल आप देखें तो जो कोर मॉडल है, कोर मॉडल जो बैंक का है वो बहुत ही लेट मी से प्रोवन मॉडल कह सकते हैं। प्रोवन इसलिए क्योंकि इफ यू सी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इट वाज सो ट्रबलसम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, बट आफ्टर वो वेव खत्म हुआ तो कलेक्शन फिर से नॉर्मल हो गए। फिर जीएसटी आया, एवरीबॉडी इज वेरी कंसर्न्ड, बट जब इकोनॉमी पिकअप कर गया तो कलेक्शन नॉर्मल हो गया। अब कोविड 1.2 आया, इकोनॉमी सब डिस्टर्ब हो गया, लेकिन जब इकोनॉमी इंप्रूव कर गया फ्रॉम सितंबर 20 टू मार्च 21, सब ठीक हो गया, मतलब कलेक्शन नॉर्मल हो गए। इसी तरह अगर 2.0 भी आया तो इसका इंपैक्ट मई तक रहेगा या जून तक रहेगा, जुलाई तक रहेगा, स्पेकुलेशन है, लेकिन जब भी खत्म होगा 2-3 महीने में उसके बाद फिर रिकवरी आ जाएगा। तो जो कोर मॉडल है, हम कोर मॉडल पे फोकस करते हैं, ये साइकिल्स तो चलते रहते हैं। ओके, तो जो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसके सामने उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आपने जो इस बार प्रोविजन किए हैं, मुझे दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आए हैं, 602 करोड़ के आसपास आपके प्रोविजंस आए, लेकिन आपका कुछ एनालिस्ट का कहना है कि आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो वो जो कैलकुलेट करते हैं वो काफ़ी कम है दूसरे पीयर्स के मुकाबले में। जरा इसको एक पर्स्पेक्टिव में समझाइए। अगर आप प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ द बैंक आप देखें फॉर डिसंबर 2020, इट वाज 52.35% प्रोविजन कवरेज ऑन द प्रोफॉर्मा बेसिस। नाउ प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ मार्च 2021 इज 56.23%, करीब 400 बेसिस पॉइंट बढ़ाई है। तो मेरे हिसाब से फॉर हमारी जो प्रोविजनिंग पॉलिसी काफी एग्रेसिव है, क्योंकि हम लॉसेस काफी अर्ली रिकॉग्नाइज करते हैं, करीब 90 डेज से लेकर 180 डेज तक सारे लोन्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, होम लोन प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। अर्ली रिकॉग्निशन के कारण अराउंड 56-57% प्रोविजन रेशियो अच्छा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो अगले क्वार्टर्स में जो प्रोविजनिंग है
वो क्या यहां से और बढ़ेगी या कम होगी? गाइडेंस क्या है आपका? गाइडेंस ऐसा है, अभी देखिए अभी कोविड 1.2 जब खत्म हुआ था और वापस आया, मैंने आपका क्लास बहुत अच्छा हो गया, कलेक्शन बहुत अच्छे हो गए, तो नॉर्मल थे, प्रोविजन इतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी जो 2.2 है इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। मैं इस पे गाइडेंस देना बहुत मुश्किल है क्योंकि इमीडिएटली इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो सारे बैंकिंग सिस्टम पे पड़ रहा है। मैं ये कहूंगा कि जो क्रेडिट लॉस है, आप ये लेके चलिए, हमारे इंडस्ट्री में एक की टर्म होता है क्रेडिट लॉस। क्रेडिट लॉस मतलब इवेंचुअली आपका कितना चार्ज कर पीएनएल में कितना हिट करते हो। ये जो नंबर है प्री कोविड के टाइम में वी यूज्ड टू हैव अबाउट 2.7% वाज द एवरेज क्रेडिट लॉस फॉर द बैंक, क्योंकि हमारे जो मार्जिन भी बहुत हाई होते थे 8-9%, उसमें से हमारा 2.7% ज्यादा था। अभी जो इंक्रीमेंटल है, हमारे कॉन्फिडेंस है क्योंकि हम अंडरराइटिंग बेटर से बेटर से बेटर हो रहे हैं, एवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर अंडरराइटिंग बेटर हो रही है क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, इसीलिए हमारी जो गाइडेंस है वो 2.7% से कम होकर 2% है। यानी कि हमारे बुक में आप इतना मान के चलिए कि 2% ऑफ द एवरेज बुक हमारे क्रेडिट लॉस में आने चाहिए ये वेव टू खत्म होने के बाद। एक और की पॉइंट है कि हम होम लोन्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, उससे भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। हाँ जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, ये कि होम लोन्स, एक प्राइम होम लोन्स का बिजनेस हमने अभी शुरू किया है क्योंकि हमने सेविंग्स रेट्स जो पहले 7% थे उसको 6% किया, फिर 6% को 5% कर दिया क्योंकि हमारे पास बहुत सरप्लस कैश आ गया था। तो उससे क्या हुआ कि हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम हो गया। उससे क्या हुआ कि हम जो पहले होम लोन्स जो हम 8.5% 9% पे देते थे एक सेगमेंट को, अभी हम 6.9% पे प्राइम सेगमेंट को देंगे, प्राइम कॉर्पोरेट्स को, उससे भी क्रेडिट क्वालिटी बैंक की बढ़ेगी। ओके, ये अच्छी बात है। तो फिर अगला सवाल आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, जो 5% तो दिख रही है, लेकिन साथ साथ आपने इस क्वार्टर में अब काफी अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं डिपॉजिट के, तो क्या ये मार्जिन और सुधरेगी? क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद भी अच्छा डिपॉजिट आता रहेगा? मार्जिन पे क्या गाइडेंस है आपका? मार्जिन देखिए ऑलरेडी 5% पहुंच गया, मेरे हिसाब से अमंग द बैंकिंग सिस्टम काफी हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 5% प्लस। हमारी गाइडेंस 5.5 थी 2024-25 की, देखिए अभी 2022 में हम लोग वहां पे करीब पहुंच गए। गाइडेंस ऐसा है कि हमने और सेविंग्स रेट कम किए हैं, उससे थोड़ा इंप्रूव ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टेबल रहेगा और स्लाइटली इंप्रूव होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि हमने अभी प्राइम होम लोन शुरू किया है क्योंकि ये रेट तो प्राइम होम लोन्स में कॉस्ट कम होते हैं, क्रेडिट लॉस कम होती है, लेकिन यील्ड भी कम होता है। ऑल पुट टुगेदर मार्जिन स्टेबल या अपर बायस रहे? बिल्कुल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बैंकिंग में। जैसे आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी के कस्टमर के पास जाते हैं तो मुनाफे पे मार्जिन पे असर पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ कुशन दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, जो आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरी हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपने अपने रिटेल लोन को लगातार बढ़ाया है और होलसेल कॉर्पोरेट लोन को कम किया है। अभी मैं देख रहा हूं कि ईयर ऑन ईयर 28% रिटेल बढ़ा है और होलसेल 14% कम हुआ है। ये एडजस्टमेंट वैद्यनाथन साहब क्या अब पूरा हो चुका है? क्या अब इस नए वित्त वर्ष में हम नए फिस्कल की शुरुआत में हैं, यहां से अब हम लोन ग्रोथ देख पाएंगे? बिल्कुल, पिछले 2 साल से आपने देखा होगा कि हमारे बैंक ने लोन बुक तो ग्रो ही नहीं किया, सिर्फ हमने होलसेल कम किया, रिटेल बढ़ा दिया। उसका प्रॉब्लम, उसका वजह था कि हमारे पास बहुत सारे बल्क डिपॉजिट्स थे जिसे हम बंद करना चाहते थे, उसके लिए हमें लायबिलिटीज की जरूरत थी, इसीलिए हमने लोन बुक ग्रो नहीं किया। लेकिन आने वाले साल में वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट आवर टोटल लोन बुक विल बिगिन टू ग्रो। देयर आर टू बिग थ्री बिग आइटम्स कमिंग अप फॉर द बैंक इन द नेक्स्ट वन ईयर। नंबर वन, लोन बुक विल बिगिन टू ग्रो पहली बार 2 साल के बाद, विच इज अ वेरी बिग थिंग, उससे इनकम वगैरह बढ़ेंगे। नंबर टू जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि हमने सेविंग्स रेट कम किए हैं और सेविंग रेट्स कम करके हमने प्राइम होम लोन, प्राइम मतलब जो टॉप कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज को लोन देना, उससे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स नॉट अ नॉर्मल पॉइंट। होम लोन क्या होता है कि ईयर ऑन ईयर 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बढ़ते जाएंगे क्योंकि होम लोन है। होम लोन इंडिया में 25 लाख करोड़ मार्केट है, हमारी जो बुक है अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो जिंदगी भर के लिए, मतलब आपके मेरे जनरेशन की बात, ये बढ़ते जाएंगे होम लोन्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग प्राइम होम लोन्स पे हमने एंटर किया है।
और तीसरा पॉइंट है कि ऑफ कोर्स जो हमारे जो फाउंडेशन जो है बैंक का अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा बन गया। अभी तो ग्रोथ की बात है, ऑफ कोर्स कोरोना 2.0 को आप देख के चलिए, उसका साइकिल को, वेव को हम जरूर क्रॉस कर लेंगे कंफर्टेबली। बाकी अदरवाइज बैंक इज इन वेरी गुड शेप।